चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में वी हैव डन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू गेट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो हम लोग इसका जो पिछला लेक्चर था, इन दैट लेक्चर हम लोगों ने बच्चों तीन मेथड्स किए थे। वी हैव डन थ्री मेथड्स, थ्री मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो वो तीन मेथड्स कौन कौन थे? सो फर्स्ट वॉज इनिशियल रेट मेथड, एंड सेकेंड वॉज ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड वॉज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, कि केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर जो है देखकर नहीं बताया जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर द ओनली वे जिसको यूज करके हम लोग ऑर्डर बताते हैं बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज्म को देखकर भी, रिएक्शन मैकेनिज्म से भी एक ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका रहता है, दैट आई विल टेल यू इन लेटर लेक्चर। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम लोगों ने तीन ऑलरेडी कर लिए हैं, और ये चौथा है, और ये चौथा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लें कि सबसे आसान है ना। दिस इज द इजिएस्ट अमंग ऑल फोर, एंड एंड मोस्ट ऑफ देम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो हाफ लाइफ मेथड है ऑर्डर की कैलकुलेशन का, इसको पढ़ने का आज टाइम है। तो देखें बच्चों क्या होता है हाफ लाइफ मेथड, कैसे हम लोग हाफ लाइफ को यूज करके ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे किसी भी रिएक्शन में हम लोग हाफ लाइफ को यूज करके ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, ये गौर से देखेंगे। तो मैं एक बार यहां फिर से लिख देता हूं, दैट वी आर यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड देखेंगे बच्चों। अब हाफ लाइफ हम सब समझते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब हो जाता है, दिस इज द टाइम इंटरवल इन विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब लेकिन एक इसमें एक प्रॉब्लम है इस मेथड में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है बच्चों, जैसे से एक रिएक्शन हम लिखते हैं, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी, से देयर आर टू रिएक्टेंट्स, एंड दीज टू रिएक्टेंट्स वर रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म सम प्रोडक्ट। फाइन। अब भाई क्या है कि ये जो रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट हैं या दो से अधिक भी हो सकते थे, तो अभी हम एक रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप भली भांति परिचित हैं, पीछे जो हम लोग हाफ लाइफ पढ़े हैं बहुत डिटेल में, तो इससे हम भली भांति परिचित हैं कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चों के सबकी हाफ लाइफ डिफरेंट हो जाए। सो इफ रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ, तो फिर उस रिएक्शन का एज सच कोई हाफ लाइफ नहीं होता है, उसके लिए हाफ लाइफ डिफाइंड ही नहीं होता है। तो ये जो हाफ लाइफ मेथड हम लोग अपनाने वाले हैं, इसकी एक शर्त है। इसकी शर्त ये है, जनरली ये मेथड उन्हीं रिएक्शंस में एप्लीकेबल होता है जहां पर एक रिएक्टेंट हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एक से अधिक रिएक्टेंट है तो सबकी हाफ लाइफ सेम नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चूंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं बच्चों, तो जनरली वी यूज दिस मेथड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। तो सबसे पहले तो इस बात को हमें यहां मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा? कि हमें ये मेंशन करना होगा कि दिस मेथड, ये जो मेथड है प्यारे बच्चों, दिस मेथड ऑफ ऑर्डर कैलकुलेशन इज टू बी यूज्ड जनरली व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। पहले बच्चों, जब एक ही रिएक्टेंट रहता है तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस हाफ लाइफ मेथड, एंड यू मस्ट अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट कि इस मेथड को अपने को यूज कब करना है। हमें तभी यूज करना है जब एक ही रिएक्टेंट हो, तभी हम इस मेथड को यूज करेंगे। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो क्या हम ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास और तीन और मेथड्स हैं, यूजिंग देम वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर। फाइन। अब तो इस तरह की रिएक्शंस सुइटेबल नहीं है इस मेथड के लिए। तो जो सुइटेबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो हमारे काम की रिएक्शन है, तो हमारे काम की रिएक्शन इस तरह से
Say there is only one reactant and it is getting converted into some product. मतलब single reactant होना चाहिए. Okay, fine. अब हम लोगों ने पीछे जब हम लोग nth order reaction की बात कर रहे थे तो we derived a relation between T half and the initial concentration of this reactant A. और वो फॉर्चुनेटली सारे के सारे रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता था, चाहे वो जीरो हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो. तो उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं. यहां पर ले लेते हैं कि लेट्स से द इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन एज ए नॉट. इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्टेंट इज गिवन एज ए नॉट एंड देयर इज निल प्रोडक्ट इनिशियली. फाइन. सो दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन. हम अपने इस हाफ लाइफ मेथड को ऐसी ही रिएक्शंस में अप्लाई करेंगे विच आर सिंगल रिएक्टेंट. तो बच्चों ये जो पीछे अभी रिएक्शन लिखी, तो अगर ऐसा मान के चला जाए कि इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेट्स से दिस ऑर्डर इज एन, तो एक टी हाफ का यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन रहता था विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर उनका कुछ भी होता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है. ये हम लोगों ने सीखा है पहले. दिस वी ऑल नो कि अगर टी हाफ है हाफ लाइफ और ए नॉट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन और एन है ऑर्डर, तो ये रिलेशन सर्वदा ट्रू रहता है. That T half is directly proportional to A naught to the power 1 minus N. Okay, so this is always true. अब हमें इसी relation को use करके अपना काम चलाना है. कैसे चलाते हैं? देखो कैसे चलाना है. हम क्या करेंगे कि experiment कैसे करते हैं, चूंकि experimental method है. So we start with some initial concentration of A. उसके बाद हम क्या करते हैं, नोट करते हैं कि आधा कितनी देर में होता है. तो वी कैलकुलेट, मतलब हम उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और जैसे ही वो कंसंट्रेशन आधा होता है वी नोट डाउन द टाइम. और वही टाइम क्या है उसका? टी हाफ है बच्चों. अच्छा, तो एक ए नॉट के करेस्पॉन्डिंग एक टी हाफ हमने लिख लिया. अब हम उसी एक्सपेरिमेंट को बच्चों फिर से रिपीट करेंगे विद सम अदर इनिशियल कंसंट्रेशन. ए नॉट को चेंज कर देंगे और उस नए कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली फिर से हम टी हाफ कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट क्या करना है, हम ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन को. जैसे मान लीजिए शुरुआती कंसंट्रेशन हमारा 10 मोलर है. अब हम देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो रिएक्टेंट है, वो जैसे ही 10 मोलर की जगह 5 मोलर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि इसका टी हाफ आ गया. तो वी रिपीट द सेम रिएक्शन फॉर टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस एंड वी नोट डाउन द करेस्पॉन्डिंग टी हाफ. तो हमारे पास बच्चों दो हो गए ए नॉट और दो हो गए उनके टी हाफ. अब देखिए हम फिर कैसे इससे एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. बहुत आसानी से होगा, गौर करेंगे. तो हम यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट. तो जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो ये है कि टी हाफ इज ऑब्जर्व्ड, फॉर टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा देखें, यहां तो थोड़ा सा स्पेस का मुझे शॉर्टेज लग रहा है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं और फिर जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आएंगे उन्हें हम लोग क्या करेंगे, अपने एनालिसिस में यूज कर लेंगे कि कैसे एन की कैलकुलेट करना है. ओके, तो हम दो कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं प्यारे बच्चों. एक साइड लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन से दिस इज ए नॉट और सेकेंड साइड लिखेंगे से टी हाफ. एक साइड हम लोग लिखेंगे ए नॉट के वैल्यूज
और बच्चों दूसरे साइड लिखेंगे हम लोग टी हाफ के वैल्यूज, एंड दीज वैल्यूज टू बी ऑब्जर्व फॉर टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. से दिस इज एक्सपेरिमेंट वन एंड से दिस इज एक्सपेरिमेंट टू. अब देखिए कैसे आएगा. जैसे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन से ए वन से स्टार्ट किया और उसके करेस्पॉन्डिंग जो टी हाफ आया, लेट से दैट इज टी वन. वी अगेन रिपीट द सेम रिएक्शन विद द डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, से दैट इज ए टू एंड द टी हाफ इज टी टू. है ना. अब बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रिलेशन सीखा था, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं. सो वी हैड द रिलेशन दैट दिस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन. तो इसका अर्थ यह होगा कि उस रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन है. तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वी वुड हैव अ के डैश, है ना, मींस अ कांस्टेंट. तो इसी को हम रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं दैट टी हाफ इज इक्वल टू के डैश ए नॉट टू द पावर वन माइनस एन. जहां पर क्या है, के डैश एक सिंपल सा कांस्टेंट है. ध्यान रखें ये कांस्टेंट बच्चों रेट कांस्टेंट नहीं है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी कई की तरह आता है. ये कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ रेट कांस्टेंट, दिस इज नॉट रेट कांस्टेंट. बी वेरी वेरी अलर्ट, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि आप इसको रेट कांस्टेंट मान बैठे. ठीक, ये केवल बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के लिए कांस्टेंट आया है. अच्छा ठीक है. और एन तो हमें पता ही है, एन क्या है बच्चों, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसी में दरअसल क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमें बताना है. हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर यानी कि एन ही तो, इसी में तो हमारा इंटरेस्ट है. तो अब देखो ये कितने आसानी से हम कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम. कैसे, एक बार हम लिख पाएंगे कि हमने से ए वन से स्टार्ट किया तो हमने टी हाफ को लिखा टी वन. सो टी वन इज इक्वल टू के डैश ए वन टू द पावर वन माइनस एन. देन वी अगेन स्टार्टेड विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ए टू, सो दिस इज टी टू. सो टी टू इज इक्वल टू के डैश ए टू टू द पावर वन माइनस एन. अब बस क्या करना है कि इन दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए. सो इफ यू डिवाइड दीज टू रिलेशंस और टू इक्वेशंस, सो वी आर हैविंग टी वन बाई टी टू और ये हो जा रहा है ए वन बाई ए टू और उसका होल टू द पावर वन माइनस एन. उसकी होल टू द पावर वन माइनस एन. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशन और इस मैथमेटिकल रिलेशन को यूज करके हम बड़ी आसानी से एन की वैल्यू बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं, अगर इस मैथमेटिकल रिलेशन को गौर से देखें तो इसमें बच्चों यू आर हैविंग फाइव पैरामीटर्स. फाइव पैरामीटर्स कैसे, दो तो भाई हैं टी वन टी टू विच आर टू हाफ लाइफ्स एंड टू आर ए वन ए टू विच आर टू इनिशियल कंसंट्रेशंस. सो वी नो दीज फोर, है ना, ये चार तो रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ही समझ में आ गए. तो अननोन केवल क्या है, अननोन एन ही तो है, तो हम आराम से बता सकते हैं. टी वन टी टू ए वन ए टू दीज फोर वैल्यू वी हैव ऑलरेडी, बस हमें क्या करना है इस एन को ही तो सॉल्व करना है. तो आराम से यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस रिलेशन को. तो अब देखो ये कितना आसान है, अगर आप इसके पीछे के अगर तीन मेथड्स जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने किए थे अगर उनसे तुलना करें तो ये कितना ईजी है, उनमें कितना तामझाम है, कितनी परेशानी है. इसलिए ये मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है. लेकिन इसकी बस एक ही कमजोरी है कि इसका यूटिलाइजेशन तब होता है जब हमारे पास एक ही क्या हो, एक ही बच्चों रिएक्टेंट हो. एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मामला फैल जाएगा इसका भी, तब फिर उन्हीं को यूज करना होगा. तो अगर एक है तो उसके लिए बेस्ट है. ओके, तो यहां पर जो पिछला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इन दैट एक्सप्रेशन हमारे पास बच्चों ए वन ए टू टी वन और टी टू दीज फोर पैरामीटर्स आर नोन टू अस
एंड ऑर्डर एन कैन बी फाउंड ईजिली. तो यही हमें सीखना था कि टी हाफ को यूज करके हम कैसे पहुंचते हैं ऑर्डर तक, जो कि हमने सीख लिया. तो ये तो बात निपट गई. अच्छा ठीक. अब भाई जैसे आपने ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन का क्या रेट कांस्टेंट भी बता सकते हैं आप. जैसे ठीक है भाई आपने ऑर्डर बता दिया, फाइन. नाउ कैन यू ऑल्सो फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. कैन यू ऑल्सो फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये बताया जा सकता है क्या? बता सकते हैं. देखो कैसे. अब हम इसी में एक अगला, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट से हमने ऑर्डर तक तो पहुंच गए, इसका एक और यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग रेट कांस्टेंट भी आसानी से बता सकते हैं. सो नाउ वी आर सीइंग दैट कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. देखो बच्चों, बहुत आराम से देखेंगे आप, बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि रेट कांस्टेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया. देखें, अब जैसे आपने ऑर्डर कैलकुलेट की, ऑर्डर को सॉल्व किया, तो निश्चित तौर पर आपके पास ऑर्डर की कुछ वैल्यू आ रही होगी. तो जो हमारा टी हाफ का जो के डैश वाला, वो जो टी हाफ का रिलेशन था ए नॉट पर, जो डिपेंडेंस था, दैट वाज टी हाफ इज इक्वल टू के डैश और ए नॉट, उसका पावर था 1 माइनस एन. यहां एन जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी होता रहे, ये तो हमेशा ही ट्रू था. और उसमें ये जो के डैश था वो बस एक सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अब आपने एन की वैल्यू, चूंकि ऊपर जो भी तरीका बताया उससे आपने एन को सॉल्व कर लिया. अब एन को सॉल्व कर लिया मान लीजिए, तो यू मे हैव एनी वैल्यू ऑफ एन. तो हम दो तीन वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि आप रेट कॉन्स्टेंट को आपको कैसे चेक करना है. देखें, सो लेट अस सी द फर्स्ट केस. इन केस यू सॉल्व दिस एन, और आपने सॉल्व किया और आपको एन की वैल्यू मिलती है से जीरो. यू सॉल्व दिस एंड यू गॉट अ जीरो एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है भाई, तो जीरो ऑर्डर हो गया. अब रेट कांस्टेंट के, यहां पर के तो लिखना भूल ही गए. रेट कांस्टेंट बच्चों के है. अब के की कैसे वैल्यू निकाली जाए उस पर सारा ध्यान है. देखो बच्चों, तो n हो गया हमारा जीरो, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, जीरो आ गया हमारा आंसर. अब n जीरो आ गया तो आपको समझ आ गया कि अच्छा, ये जो रिएक्शन हमारे सामने हो रही है ये दरअसल एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. आप समझ गए कि ये जो रिएक्शन है दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फाइन, अच्छा इतनी बात समझ आ गई. तो जब आपको समझ आ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तब तो सर ने सिखाया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो तो दरअसल ए नॉट बाई टू के होता है. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट विच वॉज टॉट टू मी. क्या लिख दिया मैंने, ये तो भाई सर ने हमको सिखाया था कि तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अच्छा, कि टी हाफ की वैल्यू ए नॉट बाई टू के आनी चाहिए. और ये जो रिजल्ट हम लोग, जो जनरल रिजल्ट जिसको यूज कर रहे हैं, जो कि टी हाफ इक्वल टू के डैश इंटू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन है, अब उसमें हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे. और फिर ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को कंपेयर करेंगे जो अपना जनरल रिजल्ट है, जो कि एन, जो कि हर ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, जिसको कि यूज करके हमने वो एन को सॉल्व किया है, उससे टी हाफ का जो भी आंसर आएगा उस टी हाफ को हम इससे कंपेयर करेंगे और फिर अपना के की वैल्यू आसानी से बता पाएंगे कैसे आएगा. देखो कैसे आएगा. तो वो जो जनरल रिजल्ट था विच वॉज टी हाफ इज इक्वल टू के डैश
और ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। तो ये ले दे के जो टी हाफ आया वो केवल ए डैश के नॉट ही हो पाया, और जो स्टैंडर्ड टी हाफ है फॉर जीरो ऑर्डर वो तो हम लोग पढ़ते हैं दैट दिस इज ए नॉट बाई टू के। तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो अब हम इन्हीं फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट को यूज करके, चूंकि टी हाफ दोनों से तो सेम ही आना चाहिए, तो यहां से लिख देंगे के डैश ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। तो यहां से एक हमारे पास के डैश और के में रिजल्ट आ जाता है, सो दिस के डैश इज इक्वल टू 1/2k हो गया। बस क्या हो गया, k डैश इज इक्वल टू 1/2k। लेकिन अब एक सवाल मन में आएगा, सर ये k डैश भी तो कहां पता है, ये k डैश की तो जानकारी है नहीं हमें, हमने तो सर बस वो जनरल जो उसमें तो दो t हाफ के लिए दो a नॉट के लिए दो t हाफ लिखे थे, तो ये k डैश तो निपट ही गया था ऊपर नीचे, इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है। पता है ना बच्चों, पता है, देखो कैसे पता, कैसे पता है? पता ऐसे है कि आपका ये जो बच्चों जनरल रिलेशन था टी हाफ इज इक्वल टू के डैश और ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, जैसे ही आपको ये एन मिलता है तो आप किसी भी एक ए नॉट और उसके करिस्पॉन्डिंग टी हाफ को रखिए और उस एन को भी यहां रख दीजिए, तो आपके पास के डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपको ये के डैश जो है वो गिवन नहीं रहेगा, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या किया कि एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन लिया उसके करस्पॉन्डिंग टी हाफ ले लिया, फिर दोबारा लिया उसके करस्पॉन्डिंग टी हाफ ले लिया, दोनों को डिवाइड किया, सो यू गॉट द ऑर्डर। अब वो जो दो इक्वेशंस आपने डिवाइड की थी आपस में, तो उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को चुनकर जो तुम्हें आसान लगे उसमें एन की वैल्यू रख दीजिए, सो यू विल गेट दिस के डैश, और उस के डैश को यहां पर यूज कर लेंगे तो यू विल गेट दिस के। तो जो के डैश है बच्चों ये भी हमें नोन है, ये भी हम बता सकते हैं, ये भी हम बता सकते हैं जो हमने शुरुआत में फॉर अ पेयर ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूज वैल्यूज ऑफ एन, कोई एक ए नॉट ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग टी हाफ ले लीजिए, सो यू विल हैव दिस के डैश, तो यू विल हैव दिस के ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग बच्चों किसी भी ऑर्डर के लिए आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला टास्क तो ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फिर ये के डैश दूसरा टास्क है, जब के डैश और ऑर्डर हमारे हाथ में है तो फिर के भी हमारे हाथ में। देखो जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दो के लिए और कर लेते हैं। Now let us see case 2. Case 2 का मतलब हुआ n की किसी और वैल्यू के लिए। तो मान लेते हैं कि हमने सॉल्व किया और हमारा n आ जाता है से 1, तो हमें यह पता चल गया कि द रिएक्शन विच वी आर ऑब्जर्विंग इज जस्ट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फाइन। अब बच्चों ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ रखा है दैट दिस इज 0.6931 डिवाइडेड बाय के। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट विच वी हैव ऑलरेडी डन। अब हमारा जो रिजल्ट है जिसमें वो के डैश था, तो वहां से क्या आ गया, वहां से आ गया के डैश और ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, एंड एन इज 1, सो ये केवल और केवल रह गया भाई, ये तो जीरो हो गया, तो ये के डैश रह गया। तो अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, तो इनके कंपैरिजन से फिर से हमें के मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां से जो टी हाफ है, दिस टी हाफ इज फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज 0.6931 बाई के, एंड फ्रॉम द सेकेंड रिजल्ट दिस इज के डैश, दिस इज के डैश। बस हो गया, आप के की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, सो यूजिंग दिस रिलेशन यू विल गेट के, तो फिर से के मिल गया, आंसर हो गया अपना। एक चलो और कर लेते हैं बस आखिरी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड केस।
व्हाट इज द थर्ड केस? तो अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने सॉल्व किया और हमारे पास n आ गया 2, तो उससे ये समझ आया कि द रिएक्शन विच वी आर ऑब्जर्विंग इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फाइन। अब अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ जो स्टैंडर्ड होता है दैट वॉज 1/KA, सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट टी हाफ इज 1/KA। और अभी जो हम लोगों ने जो के डैश वाला रिजल्ट देखा तो वहां से ही हो जाएगा बच्चों के डैश और ए, और उसका पावर कितना था 1 - n, n मतलब हो गया यहां पर 2, n मतलब हो गया 2, तो ये हो गया बच्चों के डैश बाई ए। अब फिर से अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो वी हैव 1/KA इज इक्वल टू के डैश बाई ए, दिस इज इक्वल टू के डैश बाई ए, तो यहां से फिर से वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ के डैश, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ के डैश। तो बच्चों किसी भी रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके की मदद से, इस मेथड की मदद से। और जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा तो हमें फिर एक स्टेप और करना रहता है, दैट स्टेप वी ट्राई टू फाइंड दिस के डैश, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस के डैश को निकाल लेते हैं, और के डैश को निकालने के बाद फिर हम जो टी हाफ के दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो वी गेट द के, है ना। सो दिस इज योर के यहां से मिल जाता है, के मतलब रेट कॉन्स्टेंट। तो यूजिंग दिस हाफ लाइफ मेथड वी कैन ईजिली गेट द ऑर्डर एज वेल एज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी ईजी मेथड, एक्सपेरिमेंटली इट्स वेरी ईजी। बच्चों ये जो टी हाफ वाला मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, इसका एक ग्राफ भी बड़ा प्रचलित है, उसको भी चलो देख ही लेते हैं। क्या है भाई उस ग्राफ में, तो हमने देखा कि दिस टी हाफ दिस इज इक्वल टू के डैश और ए नॉट टू द पावर 1 - n, फाइन। अब हम क्या करें कि इस रिजल्ट में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पे ये हमें दिखेगा लॉग बेस ई टी हाफ दिस इज इक्वल टू लॉग बेस ई के डैश, फाइन। अब लॉग एम इंटू एन होगा तो नेचुरली लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाना है, और उसमें भी लॉग ए नॉट टू द पावर 1 - n है तो 1 - n बाहर आ जाएगा और अंदर बच्चों हो जाएगा ये ए नॉट। तो अब ये रिजल्ट भी बड़ा प्रचलित है, प्रचलित इन द सेंस कि इसका जो ग्राफ है वो भी काफी यूजफुल है, कई बार एग्जाम में उस ग्राफ से क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जा सकता है। तो ग्राफ बनाने में आप बहुत उस्ताद हैं क्योंकि आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ग्राफ को, मैथ्स वाले बच्चे, और जो बच्चे बायो वाले हैं उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तो बहुत साधारण सा ग्राफ है। देखो कैसे, देखें बच्चों वो ग्राफ कैसे बनता है, तो इट्स अ वेरी इजी ग्राफ। तो उस ग्राफ में क्या है कि जो वर्टिकल एक्सिस है दैट एक्सिस इज एक्चुअली लॉग टी हाफ, और उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है दैट इज log a नॉट, दैट इज log a नॉट। सो लेट मी रिप्रेजेंट एवरीथिंग। सो ये जो वर्टिकल एक्सेस है, दिस वर्टिकल एक्सेस इज log बेस e t हाफ, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज log बेस e a नॉट। ओके फाइन। तो सिचुएशन ये है कि ये जो log बेस ई टी हाफ है ये ठीक वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि वाई एक्सिस हो, मतलब ये वाई एक्सिस की तरह काम कर रहा है, और ये जो लॉग ए नॉट है बच्चों दिस इज बिहेविंग एज एक्स एक्सिस, और ये जो 1 - n है ये उसका है स्लोप की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को देखें
और ये जब बच्चों लॉग के डैश है, दिस इज बिहेविंग एज सी. तो ले देखे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह बनता है. वाई क्या है, वाई इज लॉग टी हाफ, एक्स एक्सिस इज लॉग ए नॉट, सी इज लॉग के डैश एंड स्लोप एम इज वन माइनस एन. अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझा जरा क्या प्लॉट होगा. अब इसमें थोड़ा सा एक बेसिक एनालिसिस ये है कि अगर एन की वैल्यू वन हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, तो ये हिस्सा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा. और एन की वैल्यू वन होने का मतलब हुआ ये जो एम है, जिसको कि आप प्यार से स्लोप भी बोलते हैं, तो ये जो स्लोप है एम, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाना है जीरो. ठीक है, अब ऑर्डर अगर एक से ज्यादा है, इफ ऑर्डर इज ग्रेटर देन वन, देन यू कैन इजिली सी दैट दिस स्लोप इज नेगेटिव स्लोप. और अगर ऑर्डर बच्चों एक से कम है, तो हम देख सकते हैं कि जो स्लोप एम है वो स्लोप है पॉजिटिव. तो अगर ऑर्डर एक से कम हो जाता है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, एक से ज्यादा है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, और ऑर्डर वन हो जाता है तो स्लोप एम हो जाता है. अब जरा ग्राफ को बनाते हैं, देखें भाई. तो पहले हम एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करते हैं व्हेन स्लोप इज जीरो. तो स्लोप अगर जीरो हो गया तो ये तो पूरा ही मामला निपट गया, केवल लॉग के डैश ही रहेगा बच्चों. तो लॉग के डैश रहेगा, तो मान लेते हैं लॉग के डैश की कुछ एक वैल्यू है, तो दैट वैल्यू कुछ भी एक वैल्यू ज़ूम कर ली, तो लेट्स से दिस इज ओके फाइन. तो ये जो है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वाई इज इक्वल टू लॉग के डैश बेस ई. या यूं कह लें कि ये अगर log t हाफ वर्सेज log a नॉट का ग्राफ बनाए, तो दिस इज द लाइन करिस्पॉन्डिंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. प्यारे बच्चों ये मतलब है. कोई पूछे कि ऐसे बोल देंगे कि जैसे ये दो आपको एक्सेस दे दी और फिर ग्राफ दे देंगे, कोई ग्राफ हो सकता है सीधा दे दें, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका स्लोप पॉजिटिव स्लोप की लाइन दे दें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव स्लोप की लाइन दे दें. तो आपसे पूछें कि अच्छा ठीक है, बताइए कि कौन सा लाइन ऐसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसका ऑर्डर से एक से ज्यादा है. तो अगर एक से ज्यादा है तो स्लोप बच्चों पॉजिटिव है. पॉजिटिव स्लोप मींस दिस लाइन मींस दिस इज रिप्रेजेंटेड, means this is the line which is representing the reactions having order less than 1. This is line which is representing zero order reaction. And this is line which is representing reactions which have order greater than 1. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अच्छा बताइए कि ये ग्राफ बनाया है तो टू सेकेंड ऑर्डर हो, ऐसी कौन सी लाइन है. तो एकदम दिमाग में रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे ना कि 1 माइनस एन जो है वो एम होता है, स्लोप होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप जो है दैट इज 1 माइनस एन. तो एन की वैल्यू अगर एक से बढ़ाते जाओगे तो स्लोप नेगेटिव होते जाएगा. तो इस तरह से आप यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस वेरी इजीली. सो नाउ दिस इज परफेक्टली डन. अब हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को समाप्त कर दिया कि ऑर्डर कैसे